हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने पहले आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पैराबोला पार्ट टू। पहले हमने पढ़ा है कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला वन, पैराबोला इलिप्स वन एंड हाइपरबोला वन, जिसमें हमने कंसेप्चुअल पोर्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन को डील किया था। आज हम थोड़ा और हायर पार्ट पैराबोला टू, इलिप्स टू एंड हाइपरबोला टू के बारे में जानकारी लेंगे। पार्ट टू के अंदर हम बात करते हैं कि जी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। सो टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। याद रहे हम जो पैराबोला डील कर रहे हैं वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस मींस अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसी के बारे में। सिमिट्री तरीके से ही आप बाकी पैराबोला के बारे में भी आप सोच सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 दैट इज व्हाट y y1 दैट इज इक्वल टू 2a into x plus x1। ये हम बात से शुरू से बोल रहे हैं, सर्कल के केस से शुरू किया था और इसी पॉइंट को हमने यूज किया बार बार। x square को हमें चेंज करना है x x1 में, y square को चेंज करना है y y1 में, x को चेंज करना है x plus x1 by 2 में और y को चेंज करना है y plus y1 by 2 में। So this is the equation of a tangent at the point x1 y1। अब हम बात करते हैं पैराबोला एंड ए लाइन। आपके पास एक पैराबोला है और आपके पास एक लाइन है। सपोज ये एक पैराबोला है और एक लाइन है। पैराबोला हमारे पास है s is equal to y square equal to 4x और लाइन की इक्वेशन है y is equal to mx plus c। Now what all three cases can be there? First case is line is going to intersect the parabola, line is going to touch the parabola, line is not going to meet the parabola. Now how will come to know what case in what circumstances? Put the value of y in the parabola, find quadratic if d greater than 0, first case d equal to 0, second case d less than 0, third case। तो इसका मतलब अब second case में आप क्या देख पा रहे हैं कि line touch कर रही है parabola पे। इसका मतलब हमारे पास ये क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गया condition आ गई। condition किस चीज की आ गई है, condition of tangency आ गई। तो condition of tangency क्या आ गई, c square equal to a square by m square। अगर c की वैल्यू ये है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y is equal to mx plus c क्या हो जाएगा, in that case y हो जाएगा आपके पास mx plus minus a by m। this means what is this, y is equal to mx plus minus a by m का क्या मतलब हुआ, the meaning is this is the equation of the tangent in slope form। now what does this two sign plus minus signify, plus minus sign signify that they are the two parallel tangents। so याद रखें students, equation of the tangent in slope form is y is equal to mx plus a by m। students इस case के अंदर आपको याद रखनी चाहिए equation of normal at the point पे भी याद रखनी चाहिए और equation of the normal in slope form में भी याद रखने की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक चीज और, अगर ये tangent है, ये parabola है तो ये क्या चीज है, point of contact। so point of contact होता है ए एम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ए बाई एम स्क्वायर कोमा टू ए बाई एम। यू स्टूडेंट्स याद रखें, कुछ क्वेश्चंस में या कुछ बुक्स में आपको ये दिया जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस टू ए एम, तो क्या ये गलत है या ये गलत है? आंसर इज दोनों गलत नहीं है, दो बोथ आर करेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर, एम इज व्हाट, एम इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और ऊपर वाले केस के अंदर क्या है, एम इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। That is the reason m has been interchanged with minus 1 by m। So keep in mind, आपकी मर्जी है, अगर आप ये याद रखें तो याद रखें m here is slope of tangent, m here is nothing but slope of normal। I think it should be very clear to you now। Let's rub this portion and jump over to the next point। Equation of normal in slope form is
y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब. हियर m, what is m here? m here is nothing but the slope of the normal. That means इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं पैराबोला पे. आंसर इज फ्रॉम एनी पॉइंट थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला. Down the next point is about the position of a point. अगर आपके पास एक पॉइंट है उसकी क्या क्या पोजिशन हो सकती है. सपोज दिस इज अ पैराबोला, पॉइंट कैन बी आउटसाइड, पॉइंट कैन लाई ऑन इट, पॉइंट कैन बी इनसाइड. नाउ हाउ विल यू कम टू नो व्हाट विल हैपन इन व्हाट केसेस. अगर आपने पॉइंट को पुट किया पैराबोला पे, इफ एस वन इज ग्रेटर देन जीरो, पहला केस, एस वन इक्वल टू जीरो दूसरा केस, एस वन इज लेस देन जीरो इसका मतलब तीसरा केस. और ये भी आप याद रखें, फ्रॉम ईच एक्सटीरियर पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. दैट मीन्स फ्रॉम एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं. वन इज पी टी वन अनदर इज पी टी टू. तब फिर आपके पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है. तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है कि फ्रॉम ईच एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला. लोकस ऑफ द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स इज कॉल्ड एज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. एंड कीप इन माइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज y y1 equal to 2a into x plus x1. This means this is the equation of code of contact. Then what is the difference between the equation of tangent and the equation of code of contact? It the both seems to be same, but both are not same. In case of code of contact, the point is exterior. In case of tangent, the point lies on the parabola. Now इस पे ऊपर पहले एक दो कुछ क्वेश्चन से आप बात को समझते हैं, फिर हम अगली पॉइंट के ऊपर हम जाएंगे. पहला क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन कहता है कि जी अ टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स व्हाट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 degree with the line y is equal to 3x plus 5. Find its equation and point of contact. तो जी students हमें पता है कि जी इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कैसे निकालना है. सबसे पहले तो हम क्या करें, गिवन क्या है पैराबोला की इक्वेशन, ए क्या है उसके अंदर टू गिवन है. तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या आ गई, आंसर इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई, आपको याद हो प्लस माइनस था, हमने प्लस साइन लिया. वाई बिकॉज दिस इज जस्ट यू नो कस्टम इज देयर टेक अ पॉजिटिव साइन. नाउ व्हाट इज ए हियर, ए हियर इज 2, सो दैट इज द रीजन वी हैव टेकन हियर हियर ए इक्वल टू 2. नाउ टेंजेंट मेक व्हाट एंगल 45 डिग्री विद व्हिच लाइन, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, देन दैट मींस लाइन इज व्हाट हियर 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट अबाउट इट्स स्लोप, स्लोप इसका क्या चीज है, स्लोप इसका 3 है. 45 डिग्री एंगल बनाती है तो हम फार्मूला जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 with modulus sign. थीटा here is 45 degree, so tan 45 degree. This is equal to plus minus what, अगर this is m, दूसरा है 3, 1 plus 3m. Now this can be simplified, क्या आएगा simplify करके, m minus 3 is equal to plus minus 1 plus 3m. This means if I'll be taking the plus sign, I'll be getting minus 2m is equal to what 4, and m comes out to be minus 2. Agar main negative sign leta hu, to minus 3m plus 4m, that is 4m, minus 1 plus 3, that is 2, in that case m comes out to be half. So do values aapke paas aa gayi, m ki value aa gayi minus 2, aur m ki value aa gayi aapke paas हाफ. अब आपके पास इसका मतलब
क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू डाल दें, एक बार m को डालें माइनस टू और m को एक बार डालें m को हाफ, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। एंड देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हाउ विल के फाइंड आउट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, हमने लिया m इज इक्वल टू माइनस टू, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज a by m square 2a by m, because m over here is nothing but the but the here m here is slope of the tangent, so a here is 2, m here is minus 2, so 2 by 4, a here this here is 2, 4 by minus 2, so point of contact comes out to be half comma minus 2, this is one point p1 you can think it. Now what will be the its equation? Equation will be y is equal to mx, that is minus 2x plus 2 by minus 2. So this comes out to be 2x plus y plus 1 equal to 0. Similarly, when I'll be taking m equal to what? Half. I will be in a comfortable position to calculate the point of contact, and nothing, point of contact will be, you can calculate yourself, that will be 8 comma 8. And equation of tangent will be 8 comma 8 is the point of contact, and equation of tangent will be x minus y plus 2 plus 8 equal to 0. So this way we have calculated the point of contact and the equation of the tangent. Now let me take another question. The normal to the parabola at 2,4, the normal to the parabola, parabola is y square is equal to 8x, at 2,4 meets the parabola again at dash point. तो हमने सबसे पहले क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए ये कौन सी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, कौन सी पॉइंट, पॉइंट फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा वाई वाई वन इक्वल टू एक्स प्लस टू, दिस मीन्स व्हाट आई विल बी गेटिंग एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, टेंजेंट से स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप क्या आ गया, स्लोप इज वन, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, पॉइंट पता है स्लोप पता है, सो y माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, सो दिस विल बी x प्लस वाई एंड माइनस सिक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये कह रहा है कि दोबारा कहां पर किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम क्या करें y की वैल्यू यहां से निकालें, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस x, और पुट कर दे पैराबोला पे, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इनटू 6 माइनस x, सो दिस इज 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 48 माइनस 8x, दिस मींस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस मींस दिस इज गोइंग टू गिव मी x minus 6 into x plus 2 is equal to 0. This means either x is 6 or minus 2. So, this the point comes out to be what? क्या क्या point आ जाता है यहाँ पे? हमारे पास x minus 6 and what about this? This is 36 plus x square minus 12x is equal to 48 minus 8x. So, x square minus 12x. Plus 8x, that is minus 4x, 36 minus 48, that is minus 12 equal to 0, so x minus 6 plus into x plus 2, so इससे आपके पास दो पॉइंट्स निकल आएंगे। अब हम इन दो पॉइंट के बारे में, जब x की वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट पहले आ जाएगा, दूसरा हम पहले वाला वही पॉइंट होगा जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द अदर पॉइंट। The other point after simplification, I don't have the answer exact with me. I think it must be around 18, minus 12.
सो एक्स विल बी 18 एंड वाई विल बी -12। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनी पॉइंट डैश नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला एंड एट लीस्ट डैश ऑफ द डैश नॉर्मल्स इज डैश। द अलजब्रिक सम ऑफ देयर स्लोप्स इज डैश। द अलजब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ देयर फीट इज डैश। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय देयर फीट लाइज ऑन द डैश ऑफ द पैराबोला। सो यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आप इससे क्या कह सकते हैं, हम आपने थोड़ी देर पहले सीखा था क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, हमने सीखा था y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू mx -2am -emq। सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1, व्हाट आई विल गेट, दिस इज नाउ दिस मींस दिस कैन बी रिटन एज amq plus m into 2a minus x1 plus y1 equal to 0। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, from any, this is what, this is a cubic in m, क्या बोल सकता हूँ मैं, from any point, how many normals can be drawn, 3 normals can be drawn, that means from any point, 3 normals can be drawn to a parabola, and at least, आप जानते हैं, complex roots किस में होते हैं, complex roots हमेशा conjugate में होते हैं, इसका मतलब, ये अगर क्यूबिक इक्वेशन है इसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स होंगे, इसका मतलब वन ऑफ द 3 नॉर्मल्स क्या होंगे, इसका मतलब रियल होंगे, क्योंकि मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस 2am पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। व्हाट इज एम हेयर, एम हेयर इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द नॉर्मल। So if it is n, m is the slope of the normal, it is going to have 3 roots, m1, m2, m3. Now how will calculate sum of the roots? So sum of the roots is m1 plus m2 plus m3. Wo kaise niklega? Minus coefficient of m square divided by coefficient of mq. So this comes out to be 0. So algebraic sum of their slope is 0. Now, the algebraic sum of the ordinates of their feet, this means this is foot of the normal will be what? Suppose, एक है am1 square minus 2am1, दूसरा है am2 square minus 2am2, तीसरा है am3 square minus 2am3, तो ये देखिए ये ordinates हैं, तो ordinates किसके बारे में पूछा, feet की, का sum, this means, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया -2 am1 -2 am2 -2 am3 का सम क्या होगा, तो दैट मींस यू कैन टेक -2 a कॉमन, अंदर क्या होगा m1 plus m2 plus m3 दैट ऑलरेडी इज 0, सो इट इज 0, सो द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ देयर फीट इज 0। अब आपसे पूछा गया सेंट्रोइड के बारे में, सपोज दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, then in triangle PQR, if G is the centroid of the triangle, then what will be the centroid? You know that x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. हमने क्या किया? हमसे पूछा गया the centroid of the triangle formed by their feet lies on the. हम इसके बारे में बात करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? -2am1 ये होता है y. y equal to -2am1, -2am2, -2am3, -2a is common, अंदर is 0, it is 0. So, क्या चीज आ गई? y is equal to 0. y is equal to 0, क्या होता है? Parabola y square is equal to 4ax का, वो होता है axis of the parabola.
तो हम क्या कहेंगे, दिस लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो दिस वे वी कंक्लूडेड दैट फ्रॉम एनी पॉइंट थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला एंड एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री नॉर्मल्स इज रियल. द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर स्लोप्स इज जीरो. द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ देयर फीट इज जीरो. द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय देयर फीट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो दिस वे वी कंक्लूडेड दिस बंच ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीक पैराग्राफ. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दो पॉइंट्स के बारे में. पहला पॉइंट है इसमें कि जी अगर आपके पास एक पॉइंट एक्सटीरियर है, लीजिए जी ये पॉइंट ले लिया मैंने एक्सटीरियर स्टूडेंट्स, ये T1 T2, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे बात भी जी की थी, जिसे कहा गया था कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. अब मैंने कहा गया कि फ्रॉम ईच एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला. नाउ लोकस ऑफ द पॉइंट जिससे ये एंगल 90 डिग्री हो का स्लोप क्या होगा. तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म ये होती है. सपोज पॉइंट इज x1 y1, लेट्स टेक लाइक दिस. सो दिस इज x1 m² - y1 m + a = 0. अब इसने कहा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप शुड बी -1. सो हमने कहा m1 m2 = -1. तो इससे मैंने क्या कहा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, a/x1 = -1. This means x1 + a = 0. तो इसका मतलब the locus of the point from which two mutually perpendicular tangents can be drawn to a parabola is, answer is directrix. So y² = 4ax की x + a = 0 directrix होती है. अब इसी का एक point और, अगर सपोज ये आपके पास एक कोड है और ये उसका मिडल पॉइंट है, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इक्वेशन कोड की इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट इज t = s1. आप कहेंगे कि t टेंजेंट ये क्या कर रहे हैं सर आप, तो मैं आपको कह रहा हूं ये जस्ट याद रखने का तरीका है, कुछ इसके अलावा इसकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड पर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दीजिए, राइट हैंड साइड में कोनिक की वैल्यू डाल दीजिए, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, तो आपकी इक्वेशन ऑफ कोड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मिडल पॉइंट. आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू ना गाइस. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो पैराबोला में पूछा जाता है, जो बहुत आसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. अब ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, y² = 4ax means x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. दिस मींस इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है, at1² y की वैल्यू क्या हो सकती है, 2at1. This means अगर हमारे पास पैराबोला होता y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay, सिनेरियो सब चीजों का चेंज हो जाता. तो हम अब सबसे पहले चार चीजें यहां निकालना चाहते हैं, चार चीजें, वो चार चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए. पहली इक्वेशन ऑफ कोण PQ, दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तीसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, चौथी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कोड PT1 एंड QT2 इज व्हाट. अब आपके दिमाग में आएगा सर ये PT1 QT2 क्यों लिखा है, तो ब्रीफ में लिखा है स्टूडेंट्स आप, ये है at1² - at1, ये है at2², ये है 2at2. तो इक्वेशन ऑफ कोड PQ सीधा 2 पॉइंट फॉर्म लगवानी है, आप निकाल सकते हैं. दिस कम्स आउट टू बी आफ्टर सिंपलीफिकेशन t1 + t2 * y = 2x + 2a t1 t2.
दिस इज इक्वेशन ऑफ कोण पी क्यू। अब मैं अगर निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पर एट पी, तो आप हमेशा समझें क्यू क्या होता है, क्यू होता है नेबरहुड ऑफ पी, दैट मीन्स क्यू इज वेरी वेरी नियर टू पी, दैट मीन्स एज टी टू विल अप्रोच टू पी वन और क्यू अप्रोचेस टू पी देन इट बिकम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है टी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। देन थर्ड थिंग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, वो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो होगी y प्लस टी वन एक्स इक्वल टू टू ए टी वन प्लस ए टी वन क्यूब। एंड फोर्थ इज, सपोज यहां पर हमने दो टेंजेंट खींचे और ये r एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो चौथा पॉइंट में क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स कहां पर, एट पी एंड क्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज ए टी वन टी टू, ए टी वन टी टू कोमा ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू, दिस इज आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। चार एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, वो चारों मैं कवर करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है इस पे, वो हम ये थोड़ा सा पोर्शन को रब कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मेंटेन रहे, ये भी रब कर देता हूं। तो पहला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जी टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट डैश एंगल्स ऑन द डैश। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कह रहा है जी टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड, मींस ये आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब जो फोकस से पास होकर आई है, ठीक है। टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड, सपोज दिस पॉइंट इज t1 एंड दिस पॉइंट इज qt2, तो आपने क्या कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p कौन सी हुई, ये वाली हुई t1 इक्वल टू x प्लस ए टी वन स्क्वेयर। इससे स्लोप क्या आ गया पी आर का, सो स्लोप ऑफ पी आर आ गया, क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वन बाई टी वन। इसी तरीके से स्लोप ऑफ क्यू आर क्या आ जाएगा, आ जाएगा वन बाई टी टू। अब ये आ गया हमारे पास, उससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कोड निकाली थी स्टूडेंट्स, निकाली थी कौन सी P और Q, वो कौन सी थी ये, अगर ये फोकस से पास कर रही है तो इसका मतलब X क्या है A और Y क्या है जीरो। अगर मैं X को A पुट कर देता हूं Y को जीरो पुट कर देता हूं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, आंसर इज T1 T2 इक्वल टू माइनस वन। तो ये याद रखनी चाहिए, अगर एक कोड फोकस से पास होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, आंसर इज T1 T2 इक्वल टू माइनस वन। तो हमने क्या किया, m1 ये था m2 ये था, इनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लिए, क्या आ गया 1 बाई t1 t2, बट t1 t2 की वैल्यू है माइनस वन। तो जब हमने कहा m1 m2 टेंजेंट्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन है तो क्या हुआ, इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, आंसर इज राइट एंगल। उसके बाद कहां पर करेंगे, मतलब कौन सी जगह पर करेंगे, कोई लाइन पे कोई कर्व पे, तो आर आपके पास देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब एक्स क्या था यहाँ ए टी वन टी टू, टी वन टी टू खुद की वैल्यू क्या थी माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो किस इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की। तो हमने क्या कंक्लूड किया,
टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब चलते हैं हम अगला सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है आपके पास, ये वाला पोर्शन हम रख करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया, इफ द पॉइंट ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी बी वन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। आपको निकालना है लेंथ ऑफ कोड पी क्यू। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा फिगरेटिकली चेंज करते हैं। ये आपको गिवन है पी, दैट मीन्स पी हेयर इज ए टी स्क्वायर टू ए टी, एक एक्सट्रीमिटी है। दूसरी एक्सट्रीमिटी के बारे में हमें पता नहीं है, हमने माना ये पी वन है। अब हमारे पास इसकी भी कंडीशन है टी टी वन इक्वल टू माइनस वन, क्यों? क्योंकि ये फोकस से पास होता है। सो इसका मतलब अगर टी टी वन माइनस वन है तो टी वन हुआ माइनस वन बाई टी। दिस मीन्स क्यू के कोफिशियंट्स इसका मतलब आ जाएंगे, क्यू के पी के कोफिशियंट थे ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी, तो क्यू के आ गए ए बाई टी स्क्वायर माइनस टू ए बाई टी। अब आपको निकालना है कोड पी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए टी प्लस टू ए बाई टी होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां से आप क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं और t प्लस वन बाई टी भी कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या हुआ t माइनस वन बाई टी का स्क्वायर प्लस फोर, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स t प्लस वन बाई टी। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी a इनटू t प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेक द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इट इज, लेट मी फर्स्ट रब दिस। इन दिस थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा गया कि जी द ऑर्डिनेट, पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला इज द डैश बिटवीन लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा। कह रहा है ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, ऑर्डिनेट क्या था, पी के ऑर्डिनेट क्या थे ए टी स्क्वायर टू ए टी, तो ऑर्डिनेट क्या हुए टू ए टी। तो पूछ रहा है टू ए टी और लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है फोर ए, और एब्सिसा इसके एब्सिसा क्या है ए टी स्क्वायर, तो क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या देख पा रहे हैं 280 क्या चीज है, 280 जब इनका अंडर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेता हूं तो यही वैल्यू आती है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ ज्योमेट्रिक मीन। स्टूडेंट्स क्या आप ये भी जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन का कोई और नाम भी है, आंसर इज यस, ज्योमेट्रिक मीन का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, भूलिएगा नहीं, मीन प्रोपोर्शनल के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो मैंने बोला था चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। तो चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे इफ एल कोमा एल डैश बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, देन वन बाई एल प्लस वन बाई एल डैश की क्या वैल्यू है। तो देखें स्टूडेंट्स,
ये पी एस है, ये क्यू एस है, ये ए कोमा जीरो है सुपोज, ये है सुपोज ये, और ये है सुपोज ये है एल, ये है एल डैश। आपको गिवन है वन, आपको निकालना है वन बाई एल प्लस वन बाई एल डैश, दैट मीन्स वन बाई पी एस प्लस वन बाई क्यू एस, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला a माइनस ए टी वन स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर टी वन स्क्वेयर अंडर द रूट, दिस इज सिमिलरली प्लस वन बाई ए माइनस ए टी टू स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर टी टू स्क्वेयर अंडर द रूट, दिस मीन्स वन बाई ए आई इज कॉमन। यहां से क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आ गया वन बाई टी वन स्क्वेयर वन बाई टी टू स्क्वेयर, बट हम लोग जानते हैं टी वन टी टू क्या होता है, दैट इज माइनस वन, दैट मीन्स दिस टी टू की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टी वन, सो आई विल गेट वन बाई टी वन स्क्वेयर बाई वन प्लस टी वन स्क्वेयर दैट इज वन बाई ए। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वन बाई एल प्लस वन बाई एल डैश इज नथिंग बट वन बाई ए। सो दिस वॉज द फोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोमिस किया था कि पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा मैं आपको। तो इसके साथ हमारा पार्ट टू पैराबोला का फिनिश होता है। होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। आगे की मैथमेटिकल वीडियोज के लिए, अपने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए सुनते रहिए, जानते रहिए मोर वीडियोज by pressing bell icons and getting more new notification. Thank you very much. God bless.